आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको हर कोई बना करके खा सकता है, मतलब चाहे बच्चा हो, चाहे बड़े हो, या फिर वो औरतें जिनकी डिलीवरी हुई है वो भी इसे खा सकती हैं। और ये बहुत ही ताकतवर रेसिपी है, तो चलिए इस ताकतवर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसमें ऐसा कुछ हम मिलाने वाले हैं जो हर किसी को फ़ायदा करेगा, हर एज ग्रुप के लोग इसे खा सकते हैं। तो देखने में जितनी ये लाजवाब है, बनाने में उतना ही आसान है। इसके लिए आपको चाहिए होगा घी, लगभग 2 टेबल स्पून जितना मैंने घी डाला एक छोटे से पैन में। और इस घी को पहले आपको गर्म करना होगा। तो बढ़िया होगा कि अगर आप घर पे बना हुआ घी यूज़ करें, तो घी को आपको हल्का गर्म होने देना है, ज़्यादा गर्म होने नहीं देना है। ऐसा बहुत लोगों का मिसपरसेप्शन बन गया है कि घी जो है बस हमें नुकसान ही करता है और वेट को बढ़ाता है, बट ऐसा नहीं है। हमारी हड्डियों के लिए ये घी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने लिया है बबूल की गोंद। अब देखिए मार्केट में ना 2 तरह की गोंद मिलती है, एक होती है गोंद कतीरा और एक होती है ये बबूल की गोंद। आपको यूज़ करनी है बबूल की गोंद। और बबूल की गोंद जो होती है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणों से भरपूर होती है। और इसी के बाद मैं बताऊँ, इसमें होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है और जोड़े के दर्द को ख़त्म करता है। तो इसीलिए हर मतलब एज ग्रुप के लोग जो है इस रेसिपी को खा सकते हैं। और देखिए इसको हम जो है अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि ये कुछ इस तरीके से पफ नहीं हो जाती है। तो आपने देखा कितने छोटे छोटे थे और आप कितने अच्छे तरीके से हो गए हैं। और बस इसी तरीके से आप देख लीजिएगा कि कोई भी जो दाना है वो एकदम कच्चा ना रह जाए और अच्छी तरीके से जो है ये जो है रोस्ट हो जाना चाहिए। तो बस अच्छे से रोस्ट हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे। और इसी के साथ इसी पैन में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। और इस घी में हम डालने वाले हैं थोड़े से ड्राई नट्स को रोस्ट करने वाले हैं। और घी गर्म हो गया है तो देखिए मैंने काजू लिया है 1 टेबल स्पून, इसी के साथ बादाम, पिस्ता, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ऐड करनी है। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो जो इंग्रेडिएंट आपको पसंद नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। मतलब होता है ना, कुछ लोगों को कुछ ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं होते हैं, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स से उन्हें एलर्जी होती है, तो आप हाँ आराम से मतलब इसको हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, कोकोनट को जो है इस तरह से स्लाइस करके ऐड किया है। और इन सारी चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे और अच्छी तरीके से हम इसे भून लेंगे। मतलब इसी में घी में आपको थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेना है। तो वैसे तो आप सभी को पता है कोकोनट कितना ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए। एक तो हमारी स्किन को ये चमकदार बनाता है, और दूसरी बात पिस्ता के बारे में भी आप सभी को पता ही होगा। तो ये नॉर्मल ड्राई फ्रूट तो हम यूज़ करते ही हैं और इसके बेनिफिट्स भी हम लोगों को पता होते हैं, लेकिन ये जो रेसिपी बनने वाली है ना, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। और अगर आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ओट्स वगैरह लेते हैं, या फिर आप कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार क्या खाएँ, और वही सूजी का चीला खा के या मूंग दाल का चीला खा के ऊब चुके हैं, तो आप इस रेसिपी को एज अ ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। और अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि थोड़े से मखाने भी ऐड किए हैं। मखाने कैल्शियम से भरपूर होते हैं, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो मखानों को भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अच्छी तरीके से आप इसे रोस्ट कर लीजिए, इनको बिल्कुल धीमी आँच पर रोस्ट कीजिएगा ताकि ये चीज़ें जले भी नहीं और अच्छे से रोस्ट हो जाएँ। तो मखानों को ना आप किसी ना किसी तरह से यूज़ कीजिएगा अपनी डाइट में। मखाने देखने में हल्के होते हैं पर बहुत अच्छे होते हैं। एक कहावत है ना, देखने में हल्के लगे घाव करे गंभीर, मखानों के साथ एकदम सही जाती है, क्योंकि ये देखने में जितने हल्के फुल्के हैं ना, हमारे शरीर के लिए उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। और मुश्किल से सुबह आप अगर इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, और ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए अब ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं क्या। तो देखिए आप सुबह सुबह फ्रेश बनाएंगे ब्रेकफास्ट तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आप स्टोर करना चाहते हैं तो सुबह से शाम बस इसे खा सकते हैं। घी लिया है मैंने एक कढ़ाई में, 1 टीस्पून जितना घी लिया है, और ड्राई नट्स हमारे रोस्ट हो गए थे उन्हें साइड पर रख दिया है। घी को आपको हल्का गर्म कर लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा घी हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये जो अलग घी मैंने डाला है ना, इसको स्किप कर सकते हैं। सिर्फ गोंद को जो है फ्राई करने के लिए आप घी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और आप घी कम खाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है घी को कम कर सकते हैं। अब साथ में मैंने फ्लैक्स सीड डाली है और ब्लैक सेसमे सीड्स डाली हैं, यानी कि अलसी डाली है। और इसी के साथ जो है हमने इसमें काले वाले तिल डाले हैं। काले वाले तिल भी बहुत ही अच्छे होते हैं शरीर के लिए, और अलसी में होता है
ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसके अलावा जो है हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ में मैंने खसखस के दाने भी ऐड कर दिए हैं, लगभग 1 टेबल स्पून जितना। इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे ये साबूदाना, 1/2 कप जितना मैंने ये साबूदाना लिया है, बिल्कुल छोटा वाला जो खीर वाला साबूदाना आता है ना, हमें वो लेना है। और इसे हम थोड़ा सा जो है इसी तरीके से इसमें रोस्ट कर लेंगे लगभग 30 सेकेंड्स के लिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और बस इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और यहाँ पे मैंने जो है 1/2 कप में 2 कप पानी ऐड किया। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको इसका टेक्सचर रखना हो। अब मैं बता दूँ, साबूदाना लोगों को लगता होगा अरे साबूदाना में क्या ही है, लेकिन साबूदाना में मौजूद होता है प्रोटीन जो हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है, और साबूदाना ना गठिया के जो खतरा होता है उसको भी कम करता है। इसके अलावा इसमें जो फाइबर मौजूद होता है उससे दिल के रोगों का खतरा कम हो जाता है, और इसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो इसलिए आप इसे व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं, व्रत में भी बना सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और इसे मैंने कुक कर लिया ढक कर के, तो इस रेसिपी को ना हाँ आप व्रत में भी बना सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं। साथ में 1/2 कप जितना मैंने इसमें गुड़ डाला है, क्योंकि गुड़ हम लोगों को ना लेना ही चाहिए, गुड़ हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी डाली हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, और इसी के साथ ये डाइजेशन को भी ठीक करेगा। तो बस ये हमारा बनकर के ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब जो है हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है, जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और लूज़ आ जाएगी। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पकने के बाद अगर आपको लगे कि बहुत गाढ़ा हो गया है तो भी आप ऊपर से पानी डाल सकते हैं। तो बस देखिए अब ये अच्छे से पक चुका है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है, और एक दो चीज़ें और डाल देंगे इससे फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाएगा, जैसे कि कार्डमम पाउडर 1 टीस्पून जितना इसमें हमने कार्डमम पाउडर ऐड कर दिया है। और इसी के साथ जो अभी हमने चीज़ें रोस्ट की थी, जैसे कि गोंद हमने रोस्ट की थी ना, उसे आप थोड़ा क्रश कर लीजिएगा, और क्रश करते हुए इसी तरीके से आपको क्रश करके लेना है और इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं, और ये देखिए देखने में कितना ज़्यादा ये लजीज दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। एक बार ही आप ट्राई कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप साबूदाने खीर की बजाय इस तरह से बनाना पसंद करेंगे। और अब हम इसमें ये जो ड्राइनट्स थे ना, इन्हें भी ऐड कर देते हैं। इसमें एकदम लास्ट में ड्राइनट्स ऐड कीजिएगा तो इनका जो क्रंच है ना वो बराबर रहता है, तो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये बीच बीच में जब ड्राइनट्स का फ्लेवर आता है, क्रंची क्रंची लगता है, तो मतलब मुझे तो ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए कितना ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है, ये बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस एक फ़ाइनल हमें एक चीज़ डालनी है जो कि सर्दी खांसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पर जिंजर का पाउडर, तो इसे भी हमने ऐड कर दिया है। तो इसको जो है पोस्ट प्रेगनेंसी वाली जो महिलाएं हैं वो ले सकती हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। जैसे प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि शरीर काफ़ी टूट जाता है और काफ़ी ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, तो मेरी भाभी ये बना करके लिया करती थी, तो उन्हीं से मैंने ये रेसिपी सीखी, और ये रेसिपी उनके मायके की है। बट ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ वही लोग खा सकते हैं, इसको सभी एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं, और एज अ बहुत अच्छा ऑप्शन है ये ब्रेकफास्ट का। तो ये बनकर के तैयार हो गया, इसे आप इसी तरीके से गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मुझे ये कुछ इसी तरीके की जो कंसिस्टेंसी में पसंद है, थोड़ा सा हलवा खीर जैसा लगता है, बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। आई होप आपको ये नई रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर आपको ज़रा सी भी ये अच्छी लगे और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ आप रेसिपी को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।